बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी क्या हाल चाल है आप सबका। आज मैं आपको अपनी जिम का विज़िट करवाती हूँ। जहाँ पे हम जिम करने जाती हैं तो वहाँ का आपको सारा विज़िट करवाती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है। और ये वाले जो जिम है ना, यहाँ पे आप एंटर होते हैं, अंदर दाखिल होती हैं, तो आपको एक जिसम में ना एक एनर्जी जो है ना, एनर्जी लेवल जो आपका वो बढ़ जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है। तो यहाँ पे आपको अपनी परेशानियाँ, डिप्रेशन, सब कुछ जो है ना वो थोड़ी देर के लिए, 2-3 घंटे के लिए तो आप बिल्कुल भूल ही जाती हैं ना। और जब डिप्रेशन, टेंशन, सब कुछ आप भूल जाती हैं तो आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाती हैं। और अगर उसके साथ साथ आप एक्सरसाइज करती हैं, वॉक करती हैं, वर्कआउट करती हैं, तो फिर तो आप कभी बीमार हो ही नहीं सकते। बाकी नरमी शक्ति तो हर इंसान के साथ होती है, लेकिन अगर आप बाकायदगी से जिम करती हैं, वर्जिश करती हैं, तो आप उन बीमारियों से महफूज रहती हैं जिन बीमारियों को हम खुद दावत देती हैं। उन बीमारियों से आप वर्जिश करने से बिल्कुल दूर रहती हैं। तो आज मैंने सोचा कि आज आपको ना अपनी जिम का विज़िट करवाती हूँ। यहाँ पर अभी सुबह का टाइम है, 10 बज चुकी हैं, और जो गर्ल्स हैं, लड़कियाँ, खवातीन जो है ना, वो अभी अभी आ ही रही थी। तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि यहाँ पर रश जमा हो जाए, उनके आने से पहले पहले मैं आपको सारी जिम का विज़िट करवाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज वाली मशीनें हैं, आप गिन नहीं सकते। मुझे तो अभी तक मुझे पता ही नहीं है कि कितनी है। इतनी ज़्यादा मतलब कि बेशुमार मशीनें हैं। और मशीनों के अलावा भी अगर आप एरोबिक्स करती हैं, दूसरी एक्सरसाइज करती हैं, वॉक करती हैं, तो उससे भी आप बहुत ही एक्टिव रहती हैं। और आपके जिस्म के कोई भी ज्वाइंट काम नहीं कर रहा है, मतलब कि गोडे गिटे ताड़े काम नहीं कर रहे, तो तुम जिम आना स्टार्ट करो, तो इंशाल्लाह ताला तुम्हारे जड़े गिटे गोडे ने चलना स्टार्ट हो जाएंगे। मेरे ना घुटने में दर्द रहता था, तो मैं जिस भी डॉक्टर के पास जाती थी उसने मुझे यही रेकमेंड किया कि आप अपना वजन कम करें। इवन कि आप यकीन करें कि 2-3 साल पहले मुझे ना घुटने में इतनी दर्द रहती थी, मुझसे ना चलना बिल्कुल मुश्किल हो जाता था। तो फिर जाना दवाइयाँ, डॉक्टर्स के चक्कर, सच्ची मैं तो इतना परेशान होगी ना, तो मुझे डॉक्टर, जिस भी डॉक्टर के पास आती थी ना, वो मुझे यही कहते थे कि बाजी तुसी अपना वजन घट करो, तो ताड़े गोडे गिटे जड़े ना बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो फिर अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे पास ही ये ना जिम की सहूलत मौजूद है कॉलोनी में। तो अब मैं वहाँ पे जाती हूँ, मेरे साथ 2-3 लड़कियाँ और भी जाती हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अब मुझे जॉइंट्स का कोई भी मसला नहीं है। मेरे घुटने में जो दर्द रहता था ना, बिल्कुल नॉर्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल वो जो मैंने पट्टियाँ लगाना शुरू कर दी थी ना, वो मेरी उतर गई हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, बिल्कुल एक्टिव हो गई हूँ। और मोटापे की वजह से जो सांस फूलता था ना, वो भी बिल्कुल नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्त वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे मैंने ना अभी अभी लड़कियाँ आ रही थी, तो जिम जो ना खाली थी, मैंने कहा उनके आने से पहले पहले आपको सारा विज़िट करवाती हूँ कि हमारी जो जिम है बहुत ही ज़बरदस्त है। और क्योंकि पता, लड़कियाँ जब आ जाती हैं ना, तो उसके बाद अगर आप मूवी बनाओ, यहाँ पे वीडियोज़ बनाओ, तो उनको यही होता है कि शायद ये हमारी बना रही हैं। ज़ाहिर है हमारे पास भी अगर कोई आके कोई वीडियोज़ वगैरह बनाए किसी भी चीज़ की, तो हमको तो यही होगा ना कि शायद ये हमारी बना रही है। तो इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि गर्ल्स के आने से पहले पहले मैंने सारा विज़िट आपको करवाती हूँ। 2-3 लड़कियाँ आई हुई थी, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी वीडियो बना ली। यहाँ पे हर किस्म की मशीन है, थाइज़ वाली, थाइज़ कम करने वाली, पेट कम करने वाली, लैप्टिकल है, ट्रेडमिल है, हर किस्म की मशीन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सॉरी, मशीन नहीं मिलेगी, मशीन को चलाने की सहूलत मिलेगी आपको। तो यहाँ पे बैठ के भी हम जो अपने बाजू हैं ना, उनकी वर्जिश करती हैं। और ये देखिए, ये लैप्टिकल हैं, इनको अगर आप 10 मिनट चलाती हैं, 10-15 मिनट चलाती हैं, तो आपकी बहुत ही अच्छी जो है ना एक्सरसाइज हो जाती है। और यहाँ पे हर तरफ फैंस लगी हुई हैं, एग्जॉस्ट फैन भी हैं, दूसरे भी हैं, और साथ में एसी की सहूलत भी मौजूद है। और यहाँ पे जगह जगह पे इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है, हिदायत भी लिखी हुई हैं, और बाकायदा ये भी लिखा हुआ है कि बराए मेहरबानी गर्मी आ गई, तुसी परफ्यूम वगैरह लगा के आया करो, स्प्रे, बॉडी स्प्रे का जो है ना वो इस्तेमाल करें। तो मतलब कि हर किस्म की यहाँ पे हिदायत भी लिखी हुई हैं, और आपने कौन सी मशीन कितनी चलानी है, कितनी देर तक चलानी है, वो भी लिखा हुआ है। तो बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है। और ये देखिए, सामने LCD भी है, यहाँ पे कुछ गर्ल्स जो हैं वो अपने ड्रामे भी देख लेती हैं, और कुछ को न्यूज़ वगैरह पसंद है वो भी देखती हैं। और यहाँ पे पड़े हुए हैं डंबल, तो डंबल 1 किलो से लेके 20-25-30-40 किलो तक भी हैं यहाँ पे, लेकिन मुझे तो 1 किलो से लेके 10 किलो तक पसंद हैं। बाकी का हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो साथ ही राड भी पड़े हुए थे। और ये वाली जो मशीन है, ये भी बाजुओं वाली मशीन है, बाजू कम कर सकती हैं, मोटे कर सकती हैं, बॉडी बना सकती हैं, जिस तरह से भी आप अपनी बॉडी को शेप में लाना चाहें ला सकती हैं। तो अभी मैं लेके आपको चलती हूँ दूसरी साइड पे, यहाँ पे अंधेरा है, मैं लाइट ऑन कर लूँ। ये देखें जी, यहाँ पे भी काफ़ी राड पड़ी हुई हैं, डंबल पड़ी हुई हैं,
और जो लोग नए नए आती हैं तो यहाँ भी उनको गाइड करने के लिए लड़कियाँ मौजूद हैं और बहुत ही अच्छे तरीक़ा से गाइड करती हैं कि आपके लिए आज के दिन पहले दिन कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट है और कौन कौन सी आपने करनी है कौन सी नहीं करनी, तो बहुत ही प्यार से आराम से समझाती हैं और इतना मज़ा आता है ना, बिल्कुल फ्रेंडली माहौल है, फैमिली टाइप माहौल है और सब लड़कियों से गपशप होती है, जब आती हैं सारी एक दूसरे को सलाम करती हैं, इतना मज़ा आता है, लगता है जैसे हम ना कहीं बचपन में चले गए हैं, अपने बचपन वाले जो फ्रेंड्स होती हैं हम वहाँ पे उस ज़माने में चले गए हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे आके। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे आके आप एकदम के लिए डिप्रेशन परेशानियाँ तो आप बिल्कुल ही भूल जाती हैं, और जब आप परेशानियों से डिप्रेशन से दूर रहेंगे तो आप यकीनन एक्टिव रहेंगे। लेकिन हम इंसान हैं, हमको कौन समझाए, हमें सारा पता है कि जो डिप्रेशन है परेशानियां ही असल बीमारी की जड़ होती हैं, इंसान को लेके डूब जाती हैं, मतलब कि आपका जो माइंड है ना, आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो आप बीमारी को अपना दोस्त बना लेंगे, जो सेहत सेहत है ना वो आपकी दुश्मन बन जाएगी और बीमारी आपकी दोस्त बन जाएगी। लेकिन बस हमारा जो माइंड है ना, जितना मर्जी हम सोच लें कि हमने रिलैक्स रहना है, परेशानी हमने नहीं आने देनी, लेकिन इसके बावजूद असी तो जिस तरह कहते ना कि ठेका लिया हुआ है कि परेशानियां तो असं लाजमी लैनिया ही लैनिया ने, स्ट्रेस लैनी ही लैनी है, असं इस चीज़ तो बगैर रह ही नहीं सकते। जिन्ना मर्जी असं अपने आप को कंट्रोल करिए कि असं हम टेंशन नहीं लैनी, स्ट्रेस नहीं लेना, लेकिन जो सा दिमाग है ना, साडा जेहन है, उन्हें तो भाई उधर ही जाना है जिधर हमेशा टेंशन ने ते परेशानियां ने डेरे लाए हुए ने। खैर इंसान आ जिंदगी का हिस्सा नहीं, ये भी टेंशन भी परेशानियां भी एक जिंदगी का हिस्सा होंदिया ने, ते छड़ो परा मिट्टी पाओ। यहाँ पे देखें जी, गुलाब के फूल, गुलाब के गुलदस्ते, यहाँ पे ना हमारी जो जिम है, हमारी जिम के बॉयज ने यहाँ पे विन किया था, पूरे शेखपुरा में मुकाबला हुआ था, तो यहाँ पे जो हमारी जिम के बॉयज है ना वो बने थे मिस्टर शेखपुरा, तो उनके लिए यहाँ भी सब तोहफे तोहफ गुलदस्ते मिठाइयाँ सब कुछ ना पूरा एक माह तक चलता रहा था। और यहाँ पे जो देखें जी, इंटरनेट की भी सहूलत मौजूद है और ऊपर साथ वार्निंग लिखी हुई है कि अगर तुम लॉकर की चाबी गुमा दी तो तुम जुर्माना भी हो सकता है। तो ये तो थी हमारी जिम जिसका मैंने आपको विजिट कराया, बहुत ही साफ सुथरा माहौल है और बहुत ही प्यारा और फ्रेंडली माहौल है, तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप भी वॉक को और जो एक्सरसाइज है ना इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आप बिल्कुल ऐसे समझ लें कि आपने जिस तरह डॉक्टर के पास आती हैं तो वो जो डॉक्टर्स आपको दवाई देते हैं मेडिसिन देती है ना, वो आपने हमेशा वक्त पे खानी होती है, बाकायदगी से लेती हैं, तो उनसे बचने के लिए, उन मेडिसिन से बचने के लिए आप वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आप यकीनन मेडिसिन से दूर रहेंगे। आप यकीन करें यहाँ पे आके काफ़ी औरतें जो है ना उनकी जो मेडिसिन है वो छूट गई है, वो बिल्कुल एक्टिव हो गई हैं। तो आप सबको भी मैं यही रेकमेंड करूँगी कि तुसी रोटी शोटी खा के बिल्कुल बह ना जाया करो, उठ के वाकशा कराया करो, एक्सरसाइज कराया करो, तो अपनी ज़िंदगी अपनी सेहत नू मामूली ना समझो, जिंदगी ते सेहत अल्लाह ताला दी एक बहुत ही प्यारी नेमत है, तो इनकी कदर कराया करो। अल्लाह ताला तुहानू सारयां नू तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ आपको नसीब हों, आमीन सुम्मा आमीन। तो फिर मिलते हैं अगली नई और बहुत ही मज़े की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।